स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टडी मशे उम्मीद दे चे टोल बखवे डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप अच्छे होंगे और इस दौरान मैं आपको प्यारे प्यारे लेक्चर्स भी तैयार करके दे रहा हूँ। इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर मी टू गेट अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी गुड फीडबैक फ्राम यू पीपल। होप you will find me much better day by day. So in today's lecture we are focusing on electric field intensity, electric field lines, applications of Coulomb's law. Aaj ke is lecture mein hum electric field intensity, electric field line और कूलम्स ला की एप्लीकेशन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, व्हाट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट इज फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। माइकल फैराडे के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज के इर्द गिर्द इमेजिनरी स्फेयर की सूरत में वो जगह जहाँ तक कोई दूसरा चार्ज उसका असर महसूस करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज कहते हैं। द चार्ज ख्वाशा अगज च आग पुरे योबल चार्ज द द असर मखसूसवी आगे तमंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज वायु। उस मंग वायु इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी स्फेयर अराउंड अ चार्ज। चूँकि चार्ज एक स्फेरिकल वो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेयर की फॉर्म में होता है। ये इमेजिनरी होते हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं होते, ये मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए हम लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी स्फेयर अराउंड अ चार्ज। नाउ क्या होता है व्हेन अ डिस्चार्ज क्यू नॉट इज़ ब्रॉट नियर अ सोर्स चार्ज क्यों it experiences the force if exerted by the source charge on it. जब टेस्ट चार्ज क्यों नॉट को सोर्स चार्ज क्यों के फील्ड में लाया जाता है तो ये जो टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज का फोर्स महसूस करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज कहा जाता है। अब हम आएंगे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन इज अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज वेरी स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। टेस्ट चार्ज रिवायती तौर पर पॉजिटिव होता है, रिवायती तौर पर, रिवायत ये एक्सपेरिमेंटल वगैरह चीज़ नहीं होती है, रिवायत है बस, ताकि सारी फिज़िक्स में एक जैसा चले। अ डिस्चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड वेरी माइन्यूट इन मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव और ये बहुत छोटा होता है मैग्नीट्यूड में, ताकि ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर ना डाले, ताकि हम जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं वो एज इट इज़ हो, उसमें कमी या ज़्यादती ना हो। और सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज वो होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ऑब्जर्व करना होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना होता है। सोर्स चार्ज इज़ द वन होम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड एट अ पॉइंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच वी इन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी फाउंड। सोर्स चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी टेस्ट चार्ज
ये देखो टेस्ट चार्ज क्यों नॉट, क्यों जो कि सोर्स चार्ज है, कि असर को एक्सपीरियंस का मतलब है फील करना, जब क्यों नॉट, क्यों नॉट जो है क्योंकि असर को फील करें, एक्सपीरियंस असर को फील करें, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि आ रहा है पीछे। अब हम कहते हैं कि द रीजन ऑफ स्पेस अप टू विच अ डिस्चार्ज कैन फील, द रीजन ऑफ स्पेस अप टू विच द डिस्चार्ज फील्स द फोर्स ऑफ अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। बहुत क्लियरली डिटेल के साथ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके दे दिया है। फिर मैंने ये भी आपको बता दिया कि नोट कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, जिसको हमने मालूम करना होता है, जिसको हमने देखना होता है। टेस्ट चार्ज को हम बहुत छोटा लेते हैं रिवायती तौर पर, और ये पॉजिटिव होता है ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, जिसको हमने इन एक्चुअल फाइंड करना है। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की खूबियाँ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नंबर्ड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल भी है, इसको फील किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी कोई वो क्वांटिटी वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हाउ यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ अ सोर्स चार्ज विद यू पीपल, यू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज ओवर हेयर, इफ द टेस्ट चार्ज रन्स लाइक दैट देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड लाइक दैट। इसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और अगर टेस्ट चार्ज यू भागेगा, डिपेंडिंग इस सोर्स चार्ज की नेचर पे डिपेंड करता है, अगर टेस्ट चार्ज यू आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की जानब होगी। सो टेस्ट चार्ज चूंकि पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से बाहर भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज उसकी तरफ भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोर्स चार्ज की तरफ होगी। सो दिस इज वन पॉइंट। नाउ कम टू पॉइंट नंबर टू, द डायरेक्शन इन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रन्स, ये भी मैंने उधर डिस्कस की, द डायरेक्शन इन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रन्स आर मूव आर टेंड्स टू रन व्हेन प्लेस्ड नियर अ सोर्स चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी मैंने आपको क्लियर कर दी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप रखोगे किसी सोर्स चार्ज के नज़दीक, तो जिस तरफ भी ये भागेगा वो भागने वाला डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर क्लोजर टू द सोर्स चार्ज एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम इट। ये सोर्स चार्ज है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, जो जो दूर होते जाते वीक 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 वीक, ये अगरचे इन्फिनिटी तक होता है लेकिन जहाँ तक उसका थोड़ा बहुत असर महसूस होता है तो हम वहाँ तक रोक लेते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर क्लोजर टू द सोर्स चार्ज एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्राम इट। इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के नज़दीक स्ट्रांग होता है, और जू जू आप उससे दूर होते जाते हैं तो ये क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ कम टू पॉइंट नंबर फोर की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओवर द स्पेसिफाइड रीजन ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म तब कहेंगे अगर उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन एक ही है। अब देखो, ऐसी फील्ड को हासिल करने के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और इनफाइनाइट साइजेस के हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओवर अ स्पेसिफाइड रीजन। तो अगर ये मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कांस्टेंट है स्पेसिफाइड रीजन तक, सो द लाइंस ऑफ सच फील्ड्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसका कांसेप्ट बाद में आ रहे हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगी।
ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की करेक्टर जो है क्या है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अपटेंड, ये देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अपटेंड, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अपटेंड फ्रॉम टू अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एंड इनफाइनाइट साइजेस व्हेन प्लेस क्लोजर टू ईच अदर। ये बाद में इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन के साथ आएगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन वगैरह भी आने वाली हैं। सो अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक कैन बी अपटेंड, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, पर यूनिट एरिया यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस और पर यूनिट एरिया यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस, ये दोनों बराबर होंगी, इसका मतलब ये हो गया। और इनफाइनाइट साइज, इसका मतलब ये हुआ कि यू कांट इमेजन बियॉन्ड दैट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर फाइनाइट साइज इसके है तो फिर उसमें बल्जिंग आउट आती है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन आ रहे हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हासिल करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, अपोजिटली का मतलब है पैरेलल चार्ज प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जिसकी डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया पॉजिटिव का हो और नेगेटिव का हो एक जैसा हो, और ये इनफाइनाइट साइजेस के हो, तो तब उन दोनों प्लेट्स के दरमियान हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। नाउ दैट वाज अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कम टू another thing that is related to that one, what is this electric field intensity, electric field की शिद्दत का मतलब ये हुआ कि आप किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक चले जाएँ, वो आपको थोड़ा सा झटका दे दे, वो आपको तेज़ झटका दे दे, तो इसका मतलब ये हो गया कि तेज़ झटका दे तो शिद्दत ज़्यादा है, दूर रहो, एहतियात करो, हल्का झटका दे तो भी दूर रहो, क्योंकि ये एहतियात के लिए काफ़ी होता है, एहतियात हर चीज़ में ज़िंदगी सबसे अज़ीज़ होती है। अब देखो, और कुरान में सबसे ज़्यादा हुरमत अगर है तो ज़िंदगी बचाने की है, तो ट्राई योर बेस्ट व्हेन वट एवर यू बिकम, ट्राई योर बेस्ट टू सेव लाइव्स ऑफ अदर एंड डोंट पुट देम इन ट्रबल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, एंड नाउ द स्ट्रेंथ that what we call magnitude, the strength and direction of electric field at a point is called electric field intensity. The strength, jisko magnitude dusre alfaz mein, in direction of electric field at a point is called electric field intensity. ye dekho, ye source charge hai, is point pe electric field kitni hai, 2 hai, 3 hai, 4 hai, और उसका डायरेक्शन इस तरफ है या इस तरफ है, किस तरफ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और ये भी कह सकते हो, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ डिस्चार्ज व्हेन प्लेस्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव लिख लो या ना लिख लो, टेस्ट चार्ज को ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है कि वो पॉजिटिव ही होगा, मेगदार में छोटा भी होगा, और उसकी रीजंस भी मैं दे चुका हूँ। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के फील्ड में रखोगे, तो जो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की इफेक्ट को जितना महसूस करता है और उसका डायरेक्शन किस तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब है महसूस करना, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, सोर्स चार्ज एग्जर्ट करेगा फोर्स किस पे, टेस्ट चार्ज पे। ये दो चीज़ें, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज जब देखते, यानी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, सोर्स चार्ज फोर्स एग्जर्ट करेगा, सिंपल बात है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, वही मैं, द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ सोर्स चार्ज, अब मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ सोर्स चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द इन इट्स फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो दिल करता है उसी तरह करते हैं। अब देखो, इसका हम मैथमेटिकल इक्वेशन वो कर लेते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला उसका क्या होगा, कैसे होगा। आते हैं कि अगर सपोज़ आपके पास इफ़ जो है ये फोर्स है एग्जर्टेड, सपोज़ इफ़ जो है आपके पास क्या है, फोर्स
experienced by test charge are exerted by a source charge q on a test charge q not, then electric field intensity क्या होगी? Electric field intensity आपने क्या कहा था? Electric field intensity आपने क्या था कि force per unit test charge, force experienced by a test charge per unit test charge, that is what we call या force exerted by a source charge per unit test charge is called electric field intensity. इसको electric field intensity कहते हैं. Now come to the nature of electric field intensity. Electric field intensity is a vector quantity और उसका direction वही होगा जो कि electric field में हमने describe किया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन वही होगा जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्क्राइब किया. का मतलब है अगर ये सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है सोर्स चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है, और टेस्ट चार्ज को आपने इधर रख दिया तो ये टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में भागता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी. द डायरेक्शन इन विच द चार्ज इज़ बॉगिंग, दौड़ता है चार्ज जिस डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहते हैं, यानी टेस्ट चार्ज भागता है, टेस्ट चार्ज भागता है. टेस्ट चार्ज क्या होता है? बाय कन्वेंशन पॉजिटिव होता है और उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होता है. सो दैट इज़ अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ कम टू द यूनिट. इस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस आई यूनिट जो है इसकी क्या होगी? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर कूलम आर वोल्ट पर मीटर, जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे, बाद में टॉपिक आ जाएगा. और ये है केजी मीटर सेकंड पावर माइनस थ्री एम्पियर पावर माइनस थ्री. तो ये है, चूंकि ये ऊपर एक जो का फार्मूला है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ के लिए क्या आएगा? न्यूटन आएगा, और सी के लिए कूलम आएगा. और आपके पास ई जो है वी बाई एल के भी बराबर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम नहीं डिस्कस करते. ये टॉपिक बाद में आएगा, उसमें आ जाएगा कि वोल्ट पर मीटर के किस तरह बराबर है. और इसको इस तरह भी केजी मीटर सेकंड पावर माइनस थ्री और ये ए पावर माइनस वन, ये भी हो जाएगा. अब डायमेंशंस क्या होंगे इसके? देखो, किलोग्राम के लिए कैपिटल एम होगा, ये देखो कैपिटल एम है. और मीटर के लिए क्या होगा? कैपिटल एल है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं. सेकंड के लिए क्या होगा? टी सेकेंड पावर माइनस थ्री के लिए टी पावर माइनस थ्री होगा. और करंट के लिए क्या होगा? एम्पियर इनवर्स है. सो दीज आर द डायमेंशन. अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर इज ग्रेटर इन द रीजन वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इज ग्रेटर. इलेक्ट्रिक लाइन्स के बारे में हम आते हैं जो कि इमेजिनरी होते हैं. जहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पर क्लोज होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शिद्दत ज़्यादा होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगे वहाँ पर उसकी शिद्दत क्या होगी? कम होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शिद्दत कम होगी. सो इफ़ द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजली स्पेस्ड, दे आर हाईली डेंस, then the strength of the electric field will be very much strong, the electric field intensity will be high there. If the lines the density of lines, electric field lines are small, then electric field intensity will also be small. दूसरी बात क्या है? Electric field intensity is greater closer to the charge and goes on decreasing with increasing distance from the charge. अगर आपके पास पॉइंट चार्ज हैं तो पॉइंट चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और दूर कम होगी. जिस तरह एक बिजली के तार हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, अगर आप बहुत करीब हैं तो आप पे ज़्यादा असर कर सकते हैं. ऐसा ना हो कि कोई सानहा रूनमा हो जाए तो दूर रहा करो. बिजलियाँ आती जाती हैं, ये ना हो कि आप कहें कि बिजली नहीं है, अचानक आ जाए और आपका काम कर जाए. तो टेक केयर. अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज को मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, कूलम लॉ, और उसमें तो नो नीड टू डिस्कस इट ओवर हियर. पॉइंट चार्ज, अब देखो इसको, अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये मैंने इमेजिनरी स्फेयर भी वो कर दिए हैं. मैंने एक पॉइंट ले लिया है जो कि आर डिस्ट क्यू नॉट जो है वो आर डिस्टेंस पे है. कंसिडर
a unit positive charge, test charge, that is test charge Q naught, is placed in the field of source charge Q. ये देखो source charge Q के field में रखा गया है at a distance r between their centers. ये देखो ये आपके पास क्या है, सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, और उन दोनों का दरमियान जो फासला है वो आर के बराबर हैं, आर के बराबर हैं. टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, पी मिसिंग है ओवर हेयर, लेकिन ये पॉइंट पी ले लो, ए ले लो, जो दिल करता है, दिल पेशावरी है. मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा है कि दिल पेशावरी फिज़िक्स हम मिस कर रहे हैं, देवर माई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. तो देखो दिल पेशावरी आपके सामने है और आपके साथ पेशावरी पेशावरी है, और होपफुली इन्जॉय द लेक्चर ऑफ दिल पेशावरी जनाब. तो आर उसके दरमियान सर है. टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यों वी हैव. अब जनाब, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यों, तो हमारे पास क्या है, हमने कहा ये देखो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नाट है. अब देखो अपना कूलम ला जो है, द कूलम ला आपने क्या कहा है कि द फोर्स बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड द सोर्स चार्ज मस्ट बी एफ इज इक्वल टू के क्यू नाट, के क्यू क्यू नाट बाई आर स्क्वेयर. आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है, जो कि वही होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो भागता है. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्ली करता है तो वो डायरेक्शन फोर्स का होगा व्हेन इट इज़ ब्रॉट क्लोजर टू द सोर्स चार्ज. अब जनाब ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन है, ये देखो इक्वेशन वन है. अब इस वाले को आपने इक्वेशन वन में डालना है. जब डाल देते हो तो ये देखो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाएगा के क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज क्यों इज के क्यों बाई आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर. के क्यों बाई आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर है. अब जनाब जब आपके पास फार्मूला आ गया तो आपके पास मुश्किल क्या है, कोई भी मुश्किल नहीं है. डिपेंडेंस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज जो है, पॉइंट सोर्स चार्ज जो है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. नंबर वन, स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स चार्ज क्यों, स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स चार्ज क्यों. यानी ऊपर से अगर आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ चार्ज. चार्ज अगर एक कूलम इधर है और मैंने टेस्ट चार्ज को इधर रखा हुआ है, ये देखो ये एक कूलम है, टेस्ट चार्ज को इधर रखा हुआ है, ये दो कूलम कर दो, टेस्ट चार्ज को इधर ही रखा हुआ है, यानी आर को मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ. तो आप देखेंगे कि पहले टेस्ट चार्ज आहिस्ता भाग रहा था, जब मैंने दो कूलम कर दिया तो वो तेज़ी से भागने लगा, जब मैंने तीन कूलम कर दिया तो और तेज़ी से भागने लगा. तो इसी तरह जो है इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स चार्ज. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेज दैट इज आर. ये क्या है, आर, आर दैट इज व्हाट वी कॉल आर. तो वो क्या है, अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वेयर. यानी ई और वन ओवर आर स्क्वेयर का ग्राफ लोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ई और आर स्क्वेयर का लोगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा. तो जब भी आप मैथमेटिकल टर्म करते हैं तो इसी तरह सीखते जाओ. ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वेयर, ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर, आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर. यू आर वेरी मच ब्रिलियंट एंड यू विल पैक मी सून्स. अच्छा जी, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये है आपके पास किस चीज़ के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरी जो है, तीसरी जो है क्या है, मीडियम बिटवीन, मीडियम सराउंडिंग द सोर्स चार्ज. कूलम ला अगर आपको याद हो, मैंने क्या कहा था, अगर मैं दो चार्जेस के दरमियान डायलेक्ट्रिक मीडियम को रखूँगा तो उनके दरमियान चाहत या नफरत की फोर्स कम हो जाएगी. सो इफ़ यू वॉन्ट टू इनक्रीज आर डिक्रीज the attraction or repulsion, you have to change the nature of the medium between the two charges. अब देखो अगर ये आपके पास source charge हैं
और इसके इर्द गिर्द कोई प्लास्टिक है या माइका है या वुड है जो कि डायलेक्टिक है, और इधर टेस्ट चार्ज है। तो पहले माइका वुड डायलेक्टिक नहीं है, इधर आपने टेस्ट चार्ज को रखा तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इफेक्ट को देखा, फिर आपने इस चार्ज के इर्द गिर्द माइका या प्लास्टिक डाला, फिर उधर उसी जगह पे आपने टेस्ट चार्ज को रखा, तो आप देखेंगे कि टेस्ट चार्ज जो है वह ज़्यादा फोर्स फील नहीं करेगा, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द कूलम लॉ। सो वेन एवर अ डायलेक्ट्रिक मीडियम इज़ इंसर्टेड बिटवीन टू चार्जेस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स विल रिड्यूस्ड। इन अ सिमिलर फैशन इफ़ अ सोर्स चार्ज इज़ सराउंडेड बाई इलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक मीडियम द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। अब देखो नेक्स्ट आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं ये हाइपोथेटिकल होती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं, लेकिन मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए दे आर एज्यूम्ड, दे आर सपोज्ड, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम उससे जायज़ा ले सकें। तो अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। द पाथ, ये द पाथ फॉलोड बाई अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट व्हेन प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो रास्ता मैंने क्या कहा, वो रास्ता जिस पे टेस्ट चार्ज भागता है उस रास्ते को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वर्चुअल इमेजिनरी, इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे आर नॉट प्रेजेंट, बट फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। चिकल सोर्स चार्ज पर जुरिसडिक्शन के तासो टेस्ट चार्ज के दे अगर लारा चे पता टेस्ट चार्ज पे मंड की दे लारे तमंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वर्तवाई नोर खप होएगे। सो द पाथ ए लैंग्वेज अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव व्हेन प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी वर्चुअल, देर आर नो लाइन्स इन प्रैक्टिस around a source charge, but for mathematical calculations they are taken by scientists to find the strength of the electric field intensity. Now what are the properties of electric field lines? Electric field lines are emerging out from positive charge. kyun हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि टेस्ट चार्ज तो सर पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, मैं भी कहता हूँ। सोर्स चार्ज भी आपने पॉजिटिव रख दिया, हाँ जी पॉजिटिव पॉजिटिव को भगाते हैं, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, जब मैंने रख दिया तो ये भागना शुरू कर देता है दूर उससे भागना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होगी, अगर मैं इधर चार्ज करूँगा तो इधर भागेगा, इधर रखूँ जिस तरह स्फेयर है उससे बाल निकले हुए हैं तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस बालों की तरह जो है वो निकले, जिस तरह आपके हेड के बाल जो हैं वो सारे इधर उधर कभी कोई इस तरफ है कोई उस तरफ है हर तरफ है, मेरे तो मैं तो माशाल्लाह फारिगुल बाल हूँ। कहते हैं किसी टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि फारिगुल बाल को आप जुमले में इस्तेमाल करो, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि मेरा सर जो है वो फारिगुल बाल है मेरा सर जो है वो फारिगुल बाल है। नाउ कम टू दैट वन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमर्जिंग आउट नॉर्मली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो फिगर जो है ये देखो, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे ये आप देख रहे हैं इससे बाहर की तरफ भाग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ है। फिगर ए को देख लो, फिगर ए को देखो। अब देखो दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डायरेक्टेड इनवर्ड टू अ नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये देखो नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड, क्योंकि अगर मैं टेस्ट चार्ज को रुकूंगा तो नेगेटिव सोर्स चार्ज है यहाँ पर, तो टेस्ट चार्ज नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी into the source charge होगी if it is negative, यानी electric field line positive charge से बाहर की तरफ निकलती होगी और negative charge की in होगी। अब जनाब जहाँ पर आपके पास दो charges हो at a time, तो electric field intensity will be the sum of the two। जहाँ पर दो charges इकट्ठे हो और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हो, तो इट विल बी द सम ऑफ द टू, इट विल बी द सम ऑफ
अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे जो आपको नज़र आ रही है, देखो ये एरो नज़र आ रही है, इस पॉइंट पे पी ले लो, ए ले लो, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूँगा? ये देखो, सपोज़ आप पहले समझ लो कि ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, मौजूद नहीं है। अगर मैं टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रखूँगा तो ये क्या करेगा, सीधा इस डायरेक्शन में भागेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है उसका डायरेक्शन आपके पास क्या है, ई प्लस होगा। क्या होगा? ई प्लस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज, ये जो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तिरछी हो रही है, तो तिरछी इसलिए हो रही है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जिसको हम सिंक भी कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को हम सोर्स भी कहते हैं। एनी हाउ, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है दोनों की वजह से। सबसे पहले मैंने इस नेगेटिव चार्ज को फर्ज करें इग्नोर कर लो, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव की वजह ई प्लस ये होगा। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को अब इग्नोर कर दूँ तो नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर टेस्ट चार्ज की ओर नाट को रखूंगा तो इधर बाकी आएगा, क्या बाकी है इधर बाकी, तो ई नेगेटिव ये हो गया। अब आपने हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन तो पढ़ा होगा, या तो आप क्या कर लो, ई नेगेटिव को उठा दो इधर रख लो, यानी ई नेगेटिव का टेल ई पॉजिटिव के हेड पे रख दो, तो ये देखो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ जाएगी, विच विल बी द सम ऑफ द टू, ई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ई इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस। ई प्लस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई माइनस का मतलब है नेगेटिव। तो आप देखो, या इस ई प्लस को उठाओ, ई माइनस के हेड पे रखो, हेड टू टेल रूल, तो आपके पास फिर ये क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सम ऑफ द टू, तो जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस टुगेदर हो, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस टुगेदर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द सम ऑफ द टू, यानी ई इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस होगी। अब देखो, ये तो और प्रॉपर्टी हो गई इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अब जनाब आप देखो फिगर, ये देखो ऊपर सी में, ये देखो ये आपके पास क्या था, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये देखो ये आपके पास डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ये डी है, वैसे सी नहीं, ये डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। अब डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जितनी फील्ड लाइन आ रहे हैं उसमें जम हो जाया करेंगे, उधर टर्मिनेट होंगे क्यों में। पॉजिटिव को हम सोर्स कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं, और नेगेटिव को हम सिंक कहते हैं जिसमें आ रहे हैं। अब अगर पॉजिटिव ज़्यादा हैं तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसमें आ जाएंगे और जो इजाफी होंगे वो उसमें से पास कर जाएंगे, और अगर ये कम है तो सारे के सारे उसमें आएंगे। वो डिस्कशन में बाद में आ रहे हैं, वो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं, अब जवाब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में क्या करती हैं, टर्मिनेट करती हैं। और उस केस में आपने ऊपर पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जनाब हम आते हैं, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट्स नहीं हो सकते। फ़र्ज़ करें ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरा, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इधर इसकी पॉइंट पर ये हो जाएगी, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, एट ए टाइम दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। टू टेंजेंट एट अ सिंगल पॉइंट कांट बी ड्रॉन, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ़र्ज़ करें ये है तो दूसरी ये है, तो क्रॉस कहाँ पर करती है, इंटरसेक्शन कहाँ पर करती है, यहाँ पर करती है, यहाँ पर करती है। तो इस वाला ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, या अगर यू है तो इसका ये होगा और इसका ये होगा, तो एक ही वक्त में दो डायरेक्शन मुमकिन नहीं है। टू टेंजेंट्स एट द सेम पॉइंट्स कांट बी ड्रॉन, सो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज टू टेंजेंट्स आर डायरेक्शन एट अ पॉइंट फॉर अ सिंगल वेक्टर आर इम्पॉसिबल। मड़ा बदा बेहतरीन कंपनी चे ग्लास जोड़कड़ी चार सदर तब के क्लियर कारी पागे न हम क्लियर शुदरता हाँ स्तासो माजगो नूर हम मरता इंशाल्लाह तैयार दी जकचे वाड़ी चे मुंगता नूर फिजिक्स राशी और इंशाल्लाह। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी हैं, कोई चार्ज के गिर्द लाइन दिखाई नहीं देते, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, क्योंकि अगर चार्ज के नज़दीक चले जाते हो, तारों के नज़दीक चले जाते हो, तो यू फील
a jerk. If it is strong, that jerk is very much disastrous. So, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है. जिसको आप फील करते हो वो रियल होता है और जिसको आप देख नहीं रहे हो वो वर्चुअल होता है. अब जनाब, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, मैंने पहले भी कहा, इज टेकन इज अ सोर्स चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज टेकन इज अ सिंक. सोर्स से पानी निकलता है और सिंक में गिरता है, ये मतलब है इसका. सोर्स जो होता है पानी का वो टैप होता है और सिंक जिसमें पानी गिरता है. बस सिंपल बात है. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता है और सिंक अपने अंदर समोता है. अच्छा जी, सेवन क्या है? दोज पॉइंट्स बिटवीन चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ज़ीरो आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट, देख, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, डिफरेंट भी हो सकता है. अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और टेस्ट चार्ज को एग्जैक्टली मैंने मिड पे रख दिया, तो ये वाला उसको यू रिपेल करेगा, ये यू रिपेल करेगा, लेकिन दोनों के फोर्सेस बराबर होंगे तो ये टेस्ट चार्ज अपनी जगह पे ही रहेगा. टेस्ट चार्ज अपनी ही जगह पे रहेगा. तो न्यूट्रल पॉइंट विल लाई इन बिटवीन एग्जैक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंट्रल एट द मिड पॉइंट. एट द मिड पॉइंट, हाँ, अगर एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है दूसरा कम है तो ये न्यूट्रल पॉइंट सेंट्रल लाइन पे पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले से दूर होगा और करीब वाले के नज़दीक होगा. क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज से दूर होते तो फोर्स वीक होता जाता है, अनलेस एंड अनटिल कि वो दूसरे चार्ज के साथ इक्वलाइज कर लेता है. तो न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जिस पे कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है. ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, एंड दे एग्जिस्ट एट मेनी प्लेसेस, नॉट एट अ सिंगल प्लेस. आठवें पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू इनफाइनाइट अपोजिटली चार्ज प्लेट्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर आर स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट. मैंने क्या कहा अभी इससे पहले, क्या हम उसको वो कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दो प्लेट्स की वजह से, ये देखो और ये देखो, एच वाला देख लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, चार्ज डेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है, और ये इनफाइनाइट उसकी है, साइजेस की हैं. तो ये देखो, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं और हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है. तो मैंने एक आपको ऊपर के टॉपिक में कहा कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल करने के लिए आपको जो प्लेट्स हैं उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी एक होनी चाहिए. आपको मैंने क्या कहा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एक हो और साइज़ क्या हो, इनफाइनाइट हो, ये मैंने कहा. अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आ रहा है, ये तो इनफाइनाइट का. अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये देखो, अगर आप देखें, ये हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू फाइनाइट अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आर स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म एट द मिडल एंड बल्जिंग आउट एट द एंड्स ऑफ द प्लेट्स. द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एट द एंड्स ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग. जब भी फाइनाइट साइज़ के प्लेट्स हो, प्लस एंड माइनस, तो उसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, उसका डेंसिटी सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा. लेकिन जो जो आप दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बल्जिंग आउट यानी निकलते जाएंगे और एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा. तो उस नॉन कांस्टेंट या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं. फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं. ये देखो, अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये है आपके पास, ये देखो, ये जी वाला देखो, ये आपके पास क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल, ये देखो, दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, स्ट्रेट यूनिफॉर्म कांस्टेंट है और किनारों पे क्या है, ये निकली हुई हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, बल्जिंग कहते हैं. यानी ये किनारों वाली फील्ड को हम क्या कहते हैं, बल्जिंग या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. सो इफ़ द प्लेट्स आर ऑफ फाइनाइट साइज़ and charge density of the plate is same, then the electric field intensity at the middle of the plates will be uniform and constant, but at the ends or edges of the plates they will be non-uniform and bulging out, and that bulging out lines or field is called fringing field. That is what we call fringing field. Isko hum kya kehte hain, fringing field kehte hain. Ab 10 pe aa jao, 10 kya kehta hai, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे. 11
ये क्या कहता है, द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टेड इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज यू जा रहा है, टेस्ट चार्ज यू जा रहे हैं, तो उस पर एरो हेड डाल लो तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो गया और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, दे आर ऑल लिंक टुगेदर, तो आपके पास क्या है, ये है। नंबर 12, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डेंस इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज फॉल, वेयर ऑलवेज फॉल्स, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिरते हैं वहाँ पर ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती हैं, इज़ द स्ट्रांगेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डेंस इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज फॉल एंड इज़ द स्ट्रांगेस्ट, और सबसे ज़्यादा होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकल रही है और जिस जगह पे फॉल कर रही हैं वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉल्स एट राइट एंगल ऑन अ सरफेस ऑफ अ कंडक्टर आर मेटल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और उसके नज़दीक कंडक्टर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, कंडक्टर पे 90 के एंगल, ये देखो ये कंडक्टर है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो इधर आ रही है और यू पड़ेगी 90 पे, इधर से आएगी यू पड़ेगी 90 पे, जिस तरह आपको ये देखो फिगर में दिखाई देता है, ये देखो ये वाला फिगर देख लो, एफ वाला देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है तो उधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, लेकिन ये मेटल है, मेटालिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है इधर 90 पे पड़ेगी, इधर आएगी 90 पे पड़ेगी। तो अगर ये मेटालिक कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुख्तलिफ डायरेक्शन में निकलती है ना, बाहर की तरफ है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी यू आएगी एग्जैक्टली 90 पे, ये वाली आएगी 90 पे पड़ेगी और स्ट्रेट वाली आएगी वो भी 90 पे पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो जब भी आती हैं और मेटल या कंडक्टर की सरफेस पे पड़ती हैं तो वो 90 के एंगल पे पड़ती हैं। तो इन शॉर्ट यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती हैं, नेगेटिव चार्ज से के अंदर की तरफ होती हैं। पॉजिटिव चार्ज को सोर्स लिया जाता है, नेगेटिव चार्ज को सिंक लिया जाता है, सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं और सिंक में आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन बताती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम फर्दर इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में जो कि बाद में आ रहा है। सो आई शुड टेक टी एंड यू शुड आल्सो टेक टी। थैंक यू वेरी मच।